आज हम लेकर आए हैं नया टॉपिक, समय एवं कार्य भाग 3 से आगे, मतलब सेकंड पार्ट है उसका। थोड़ा सा अधूरा रह गया था भाग 3, तो हमने और आगे उसको लेके आए हैं। देखिए आप, क्वेश्चन नया है, थोड़ा सा चेंज है। देखिए आप, यहाँ ये अपना क्वेश्चन रह गया था। यदि भाग 1 और भाग 2 और भाग 3 आपने ना देखा हो तो देखिए, और ये भाग 3 का सेकंड पार्ट भी आप देखिए, तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। भाग 1 और 2 3 देखेंगे तो, और देखिए आप, क्वेश्चन है, मोहन किसी कार्य का 2/5 भाग 8 दिन में पूरा करता है, एवं राम और मोहन दोनों मिलकर इस कार्य को 5 दिन में समाप्त करते हैं। यदि राम अकेला इस कार्य को करे तो वह कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। भाग 3 में हमने बताया था कि मोहन अलग काम कर रहा है कुछ दिनों में, और राम कुछ दिनों में अलग काम कर रहा है, वो दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। तो उसका फॉर्मूला था D1 × D2 / D1 + D2, लेकिन इसमें दोनों तो काम कर रहे हैं और मोहन अकेला भी कर रहा है, तो उसमें फिर अकेले का निकालना है किसका, राम का। तो यहाँ माइनस का सूत्र लगेगा, वो पहले मैं बता चुका हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो अपना यही था, मोहन किसी कार को। अब इसका आंसर है, मोहन 2/5 भाग करता है कितने दिन में, 8 दिन में। तो मैंने पहले ही बताया था इसका गुणा एक, यहाँ गुणा एक हो रहा है, यहाँ भी एक हो रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इस 2/5 को हमें एक बनाना है, क्योंकि एक भाग निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 5/2 का गुणा करेंगे तो ये कट जाता है, 2 से 2, 5 से 5। यदि हमने यहाँ किया है तो इक्वल में ही वही करना पड़ेगा ना। मैंने गुणा कर दिया 5/2, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ आ गया एक भाग, और यहाँ क्या हो जाएगा, 8 का 5 में गुणा और 2 का नीचे, 8 का 5 में गुणा और 2 का नीचे, तो 4×8 = 5×5=20। ये आ गया हमारा 20 दिन। तो मोहन 20 दिन में कार्य पूरा कर लेता है, एवं दोनों मिलकर करते हैं 5 दिन में, पहले ही बताया दिया है। तो हमारी यहाँ D1 क्या हो गया था, हमारा 20 दिन D1 हो गया, और D2 की वैल्यू कितनी हो गई, 5। ठीक है, अब अकेला राम कार्य समाप्त करेगा कितने दिन में करेगा, D1 × D2 / D1 − D2। मैंने पहले ही बताया था जो बड़ा हो उसको पहले रखना है, यहाँ D2 बड़ा होता है तो D2 रखते हैं। देखो D1 की वैल्यू रखी 20 और D2 की वैल्यू रखी 5/, D1 कितना था 20 और D2 था 5 माइनस। ये माइनस तब करना है जब दोनों काम कर रहे हैं और अकेले का निकालना है तब। देखो अब 20 × 5/20 − 5 गए थे तो कितने बचे, 15 काट दो, 5 × 5 और 5 × 3 = 15, यहाँ कितना आ गया 20/3, 3×6 = 18, 18 भर जाता है ना, 18 कट जाएंगे हमारे, 3×6 = 18, 20 में से 18 गए तो कितने बचते हैं, 2, 2 बच रहे हैं तो 2 और नीचे 3 कितना आ गया, 6 सही 2/3, 6 सही 2/3। देखो कैसे निकालते हैं, ये हम चेक करना चाहें कि हमारा आंसर सही था या नहीं। 3×6 = 18, वो सबको नियम पता है कि 2 ऊपर के जुड़ जाते हैं, 18 और 2 = 20, आंसर सही है हमारा, 6 सही 2/3 दिन में कार्य राम पूरा कर लेगा। ठीक है, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक ज्ञानी तड़का भाई कपिल शर्मा चैनल। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो करें, और लाइक भी करें और शेयर भी करें। हम इसी प्रकार की और वीडियो आपको भेजते रहेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे आप तो आपको बेनिफिट रहेगा कि ऑटोमेटिक आपके पास वीडियो आती रहेंगी अपने यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।